अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एनआरसी को सामने रखो। अमित शाह और मोदी, ये कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी, ये लोग एनआरसी करेंगे। और एनआरसी में अगर खुदा ना खास्ता किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आया और किसी गैर मुस्लिम का नाम नहीं आया तो होगा क्या? ये दोनों ने डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए तो मुसलमान का नाम नहीं आएगा एनआरसी में, जो गैर मुस्लिम है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि ये शहरियत का कानून जो तरमीम करके बना चुके हैं उसमें उसका नाम चला जाएगा। यही जानी है बीजेपी एनआरसी के नाम पर घरों में डर खौफ को पैदा किया जाए। ये जो शहरियत का कानून बना है उसको एनआरसी को सामने रखकर देखो आप तमाम से कहा जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के 110 करोड़ आवाम से कहा जाएगा कि तुम पर वोट है कि तुम बताओ कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी वाला देश सबके सबको लाइन में खड़े होकर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो मैं भारत का हूं, मैं भारत का बाशिंदा हूं, ये मेरे दादा का सर्टिफिकेट, ये मेरे वालिद का सर्टिफिकेट, ये मेरे मां का सर्टिफिकेट। और जब किसी का नाम नहीं आएगा तो वो मुसलमान है और गैर मुसलमान है, तो गैर मुसलमान को शहरियत के कानून में उसको हिंदुस्तानी करार दे दिया जाएगा। और मुसलमान क्या करेगा बताओ, फिर क्या करेगा मुसलमान? कोई उसको कहेगा कि तू हिंदुस्तान का बाशिंदा नहीं है, शहरियत नहीं। और जब मैंने सवाल किया हिंदुस्तान की लोकसभा में, आसाम में यही हुआ, आसाम में एनआरसी हुई, 2000 करोड़ का खर्चा किया गया और आसाम के एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, 19 लाख जनता के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद बीजेपी एनडीए के 5,40,000 हिंदू बंगाली है और 5 लाख के करीब मुसलमान होते हैं। मेरे भाई, ये कानून जो बनाया गया है वो 5 लाख हिंदू बंगाली को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। ये कानून जो पार्लियामेंट से बन चुका, जिसको हमारे सदर जमुतिया ने उस पर मोहर लगा दी, ये कानून ये कहता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है मुकदमा खत्म हो जाएगा। अब आसाम में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अगर किसी पर मुकदमा चलेगा तो सिर्फ 5 लाख के करीब मुसलमानों पर चलेगा, उसमें हिंदुओं पर बंगाली हिंदू पर नहीं चलेगा। ये इंसाफ है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और झूठ बोलते नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहकर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं। आप किसी का विकास अगर चाहते हैं तो अपनी आरएसएस की सोच का विकास चाहते हैं, अगर आप किसी का साथ चाहते हैं तो उनका साथ चाहते हैं जो आपके रंग में रंग मिल जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक काला कानून भारत में बनाया गया है, ये काला कानून बनाया गया है भारत में, और इस काले कानून की हमको मजम्मत करनी चाहिए, इसकी को कंडेम करना है, हम इस काले कानून को कबूल नहीं करते। मैं सलाम करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवान तुलबा और तालिबात को जिन्होंने सदा एहतजाज बुलंद किया, मैं सलाम करता हूं जामे मिलिया के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी खीरत का मजारा किया, इस मुल्क से मोहब्बत का मजारा करते हुए उन्होंने एहतजाज किया, मैं सलाम करता हूं तमाम भारत के लोगों का
जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में इस काले कानून के खिलाफ कल उन्होंने एहतजाज किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहरी तरमीमी कानून को CAB जब CAA हो चुका है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप इस कानून को काला कानून करार देते नहीं देते? हाथ उठाकर पैगाम दीजिए मोदी को, यह कानून हमको कबूल नहीं है, ये शरीयत का कानून हमको कबूल नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह सुन लो, ये झारखंड की जनता की आवाज नहीं, बल्कि भारत के हर भारत के बसने वाले हिंदू मुसलमान आदिवासी की आवाज है, जो तुमको पुकार कर कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर हमको मत बांटो, मोहम्मद अली जिन्ना को दोबारा जिंदा मत करो। ये गांधी और अम्बेडकर का मुल्क है, इसको गांधी और अम्बेडकर का मुल्क पर फरार रखो। ये मुल्क सावरकर का मुल्क नहीं बनेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क का परस्ती का मुल्क नहीं बन सकता। ये मुल्क हमेशा से तमाम मजाहिब का खार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम आपको देना बहुत जरूरी है। ये शहरियत तरमीमी बिल और फिर उस पर बड़ी बड़ी बातें कि मुल्क का बंटवारा विभाजन मजहब के नाम पर हुआ, तो फिर कश्मीर कैसे आया हिंदुस्तान, कश्मीर कैसे आया हिंदुस्तान को? कश्मीर तो मुस्लिम अक्सरियत रियासत थी, इसलिए आया क्योंकि वो हिंदुस्तान पर भरोसा करते थे, पाकिस्तान पर नहीं करते थे, इसलिए आया ना। और तुमने क्या किया, कश्मीर से 370 को बर्खास्त कर दिया, खुसूसी मौका को बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दे दिया। क्यों निकाला कश्मीर से तुमने स्पेशल प्रोविजन? नॉर्थ ईस्ट में दे रहे, और कल आसाम में मालूम हुआ मासूम 17 साल के बच्चे के चेहरे पर गोली गोली, उसका पूरा चेहरा बर्बाद हो, उसकी जान चले गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी सरकार जिम्मेदार है उस बच्चे की जान के चले। 17 साल का बच्चा मर गया, उसकी माँ अपने बेटे से महरूम हो चुकी है, ये आपकी बीजेपी की सरकार। जापान का वजीर आजम आसाम को आ रहा था, इनकी प्लानिंग देखिए, इनकी सोच देखिए, कितनी नाकारा और मुखन्निस लोग हैं कि जापान का वजीर आजम आ रहा है और लोकसभा में राज्यसभा में कानून को पास करते हैं। आसाम में गड़बड़ है, लाइन ऑर्डर का मसला है, वजीर आजम जापान का दौरा मुल्तवी हो जाता है, वजीर आजम का आसाम का दौरा मुल्तवी हो, हर बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की हुकूमत मजहब के नाम पर बांट रही है, मजहब के नाम पर मुल्क को चलाना चाहती है। जब हमारे बुजुर्गों ने संविधान बनाया तो उसमें ये कहा नहीं कहा गया था कि मजहब की बुनियाद को शहरियत दी जाए। आपको पाकिस्तान से अगर हमारे हिंदू भाइयों को बुलाना है बुलाओ, अफगानिस्तान से बुलाना है बुलाओ, बांग्लादेश से बुलाना है बुलाओ, मगर मेरा सवाल यह है, इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों इतनी नफरत है बताओ हमको? आखिर क्यों लफ्ज मुसलमान और इस्लाम के नाम से इनके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, ये कानून हमारे संविधान की फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर 3 के खिलाफ है, ये कानून हमारे हिंदुस्तान की शरीयत के प्रिंसिपल के खिलाफ है कि मुल्क में एक कानून होगा और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा कानून होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको इस कानून की मजम्मत करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से पूछना है आप लोगों को, जब 16 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, यही शिवसेना जिसके साथ कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, वो शिवसेना ने इस कानून पर बीजेपी का साथ दिया, कहां ये सेक्युलरिज्म, किसको धोखा दे रही है कांग्रेस पार्टी, बताइए आप। और यहां से तो माशाल्लाह
जो जेएमएम के उम्मीदवार है वो तो खुदा की मास्टर है। हर इलेक्शन में किसी और पार्टी को पकड़ लेते हैं। कांग्रेस में थे, जीएमएम में आगे नहीं मालूम कितने कितने बार कौन कौन सी पार्टी में जाए, ये कौन सा काम था। और हमको बी टीम कहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन याद रखो, तुम नहीं जानते मुझको, दौलत मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई माने नहीं रखती। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सलाहियत दी बोलने की। अगर तुमको सीखना है बोलना तो मेरी तकरीर सुन लो बोलना। मजलिस हैदराबाद वो पैगरे क्या कितना, मैं अगर हैदराबाद से आ रहा हूँ यहाँ पर कांडे में तो बताओ क्या चीज मुझे खींच कर ला रही है। हाँ मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हाँ एक दौलत के लिए आया हूँ। वो दौलत जो तुम्हारे को मैसर नहीं हो सकती, वो दौलत है, वो जो कलमे का रिश्ता वो दौलत है। क्या चीज है? और सुनो हेमंत सोरेन, मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिन्होंने हमको बताया था कि हक की सरबुलंदी के लिए और हक की कामयाबी के लिए बातिल ताकतें तुमको जमीन और आसमान चांद और सूरज दुनिया की दौलत तुम्हारे सामने ला कर रखेंगी। तब भी तुम उसको नहीं मानना, तुम हक के लिए काम करना। मैं दुनिया की दौलत मुझे खरीद नहीं सकती, हाँ गरीब की मोहब्बत मुझे अपना गुलाम बना सकती है। मैं ताकतवरों, ताकत और ताकत की कुर्सियों पर बैठने वालों से मरूम होने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, याद रखो। इख्तदार से मुझे मतलब ना था, ना कभी रहेगा। अरे ये तो बताओ कि झारखंड में 14% मुस्लिम अकलियत है, कितने मेले जीत के आते झारखंड से? दो जीत कराते 14.5% है आबादी और दो जीत कराएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जमहूरियत शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेशनल की डेमोक्रेसी है। और शराकतदारी की जमहूरियत में सिर्फ दो एमएलए और वो दो एमएलए भी कैसे? मजलिस क्या कह रही है कि इंतखाब को कामयाब करो, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। वो जो दो एमएलए जीत कराते वो बेनामी की लीडरशिप है, ये तुम्हारे नाम पर लीडरशिप है। ये बेनामी की लीडरशिप कब तक चलेगी? 60-70 साल गुजर चुके हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये 5 साल में कितने बाब लिंचिंग के वाकयात। अगर अल्लाह अलीमुद्दीन अंसारी की रूह को इजाजत देगा तो अलीमुद्दीन अंसारी की रूह गाने की आवाज से पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझको बेसरो सामानी के आलम में मारा और पीटा गया है। आज वो अलीमुद्दीन अंसारी की रूह तुमसे कह रही है कि क्या इसी तरह हमको मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आप बताइए कितने मासूम सिंह के वाकयात अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को कोर्ट ने खातिल करार दिया। तो बीजेपी के मरकजी वजीर जयंत सिन्हा साहब ने उनका इस्तकबाल फूल का माला से किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है डर और खौफ का, कि डर और खौफ के माहौल को तोड़ना है तो इस डर और खौफ के माहौल में झारखंड जीएमएम और कांग्रेस आकर गई हुई है कि हमारा साथ दे दो। मैं आपसे ही अपील कर रहा हूँ कि वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर याद रखो तुम डर कर अपने वोट का इस्तेमाल मत करो, तुम मजबूरी की हालत में अपने वोट का इस्तेमाल मत करो, तुम बीजेपी के डर से, आरएसएस के डर से अपने वोट का इस्तेमाल मत करो।
तुम जेएमएम कांग्रेस को मजबूरी की हालत लौट मत दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उम्मीद के साथ और पूरी ताकत के साथ आप मजलिस को लौट दो। इंसान ना डर की बुनियाद पर, ना मजबूरी की बुनियाद पर, बल्कि एक नई उम्मीद की बुनियाद पर, एक नए हमारे मसाइल को हल करने की बुनियाद पर अपनी लीडरशिप को पैदा करो। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं मेरे भाई, मैं झारखंड को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं झारखंड को अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। ना मैं झारखंड को आया हूं कि मैं मुसलमानों का लीडर बनूं। मैं जिंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों का लीडर नहीं बनूंगा। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। मैं झारखंड को आया हूं तो मजलूम आवाम में सियासी शऊर को बेदार करने को आया हूं। दलित हो, आदिवासी हो, मैं अगर यहां पर आया हूं तो तुमको लीडर बनाने आया हूं, तुमको कामयाब करने आया हूं। दिलों को बांटने नहीं आया हूं, मैं दिलों को मिलाने को आया हूं। मैं दिलों को मिलाने को आया हूं। मैं किसी का वोट काटने नहीं आया हूं। काटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं, जो लोग काटते हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं, मैं मिलाने का काम कर रहा हूं, मैं अपने हक को मांग रहा हूं। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुझे अपना हक मिलना चाहिए। मैं गरीबी और मुफलिसी का खात्मा करना चाहता हूँ। मैं गांडे में एक अस्पताल देखना चाहता हूँ। मैं गांडे में डिग्री कॉलेज देखना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों के तालीम जलसों से कोई बात नहीं के जलसों में जेएमएम के इंतखाबी रैली में कहा जाता है कि डर रहा है बीजेपी से हटाओ। बीजेपी के जलसों से कहा जाता है कि हमको राम मंदिर बनाना है। 370 हमने निकाल दिया, 53 लाख निकाल दिया। मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ना डरो, ना किसी से मजबूरी का इजहार करो। अल्लाह ने तुमको इज्जत दी है, ताकत दी है, ना तुमको किसी से डरना है। अगर हम क्या किसी सियासी पार्टी ने आकर हमारे घर में शराब नहीं दी? क्या किसी सियासी पार्टी ने आकर हमारे बेटे आंसू को पोता? क्या किसी सियासी पार्टी ने जाकर कब्रे अंसारी की बेवा का उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा बेटी तू परेशान मत हो, हम जानते हैं कि तेरे हाथ की मेहंदी अभी खत्म नहीं हुई और तूने अपने पति को खो दिया। किसने किया मजलिस में? जब तबरेज को मारा गया तो कौन दौड़ता गया? हुब्बान मलिक दौड़ता हुआ गया। तबरेज को क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया कि उसका नाम तबरेज था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म को खत्म करना है, ये नाइंसाफी को खत्म करना है। हमको हमारा हक लेना है, हासिल करना है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में याद रखो, अगर तुम रो रो कर पुकारोगे कि मुझे मेरा हक दे दो, मुझ पे जुल्म हुआ, तो कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। तुमने देख लिया कि दो एमपी तुम्हारे हिंदुस्तान की लोकसभा में थे, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बेबाकी के साथ अमित शाह के सामने उस शहरियत कानून के खिलाफ बोल सके। किसने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा? पढ़ो उनकी तकरीर को, इनकी जबान पर लफ्ज मुसलमान नाम नहीं आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करो। बहुत तुमने साथ दे दिया, जेएमएम का कांग्रेस का कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, ना मुस्तकबिल में कुछ हासिल होगा। अगर आपके यहां से मजलिस के एमएलए विधायक बन कर जाएंगे तो यकीनन हम कुछ कर पाएंगे, हम लड़ेंगे। यहाँ की विधानसभा में जाकर यहाँ के हलके की तरक्की की बात करेंगे, नौजवानों के मुस्तकबिल की बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने के वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबा कर करिए। अब रहा सवाल ये बीजेपी का, मोदी जी जानते हैं
कि अब इतना बोल चुकी है कि उनके पास अब कोई नई बात नहीं, बहुत बोल चुके हैं। हर बार बोलते हैं, बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे अगर मोदी है तो मुमकिन है तो झारखंड में प्याज क्यों नहीं मिलती? 150 रुपए किलो प्याज। तो हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। अरे आप नहीं खाती होंगी, मगर गरीब को खाता है, इंसान को खाता है ना। और वहां से उत्तर प्रदेश से उनका एक मुख्यमंत्री आया सुना झारखंड को, वो वहां से आकर बोले कि भाइयों बहनों हमको 11 रुपये और एक ईंट को 306 MP दे दिए, बस नहीं हुआ तुमको? 11 रुपये चाहिए। अरे जो जनता महंगाई का शिकार होकर तड़प रही है उसकी फिक्र नहीं, 11 रुपये कितने देंगे, कितने रुपये देंगे? मेरे भाई को पैसे मिलना है GST के नाम पर, मोदी की सरकार उसको नहीं दे पाती। अब आकर ये बाजा अपना शुरू कर दिए कि 11 रुपये दो, एक ईंट दो। अरे कितने पैसे तुम खाओगे गरीबों से? छोड़ तो दो अब। अरे क्या है तुम्हारे पास जो बस जाती है जनता के 11 रुपये दे दो, ये दे दो, कभी इनके नाम क्यों? मेरे दोस्तों और बुजुर्गो, आज एक मुतबादिल के तौर पर झारखंड की सियासत में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। और मैं नौजवानों को वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ और बहनों को यकीन दिला रहा हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि हम सिर्फ इलेक्शन के अंत तक नहीं आए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं झारखंड को आता रहूंगा, कांडे को आता रहूंगा। हम जहां पर जाते हैं अपनी तंजीम को बनाते हैं, तो हमारा सियासी मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही नहीं, बल्कि हमारा सियासी मकसद हमारी जमात का पैगाम यह है कि हम आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 16 तारीख के दिन बाद नमाज फजर सुबह के अवली सातों में आप अपनी माँ और बहनों को लेकर सीधा बोली बूथ को जाइए, और जहां पर मशीन में पतंग का जब निशान दिखेगा बिस्मिल्लाह कहकर इस उंगली को उठाकर पतंग को दबाइए। याद रखिए इत्तेहाद ताकत है, इंतजार मौत है। मैं तुमसे आखिर में फिर से कह रहा हूं कि अब हम और आप इस मुल्क में अकेले हो चुके हैं, इस भारत में हम अकेले हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो जो लोग सकल रजन की दुहाई देते थे, आज वो बीजेपी से डर कर मोदी की ताकत के डर पर खामोश हो चुके हैं। कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी आवाज बनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई संविधान का हवाला देकर, संविधान का हवाला देकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसकी बात नहीं करता। मेरे भाई याद रखो, मैं तो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा था, इसके बावजूद भी बीजेपी इतने सीट पर कैसे कामयाब हो गई, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार JMM और कांग्रेस का होता रहे जिसने बीजेपी का साथ दिया था। आज मैं आपके दरमियान में आया हूँ कि ऐसे पुराशूट दौर में मैं आपसे अपील करने आया हूँ, जहाँ पर हमारे वजूद को खत्म करने का कानून बन चुका, जहाँ पर हमको हिंदुस्तान में सेकंड क्लास नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने का कानून बन चुका, जहाँ पर हमारे वतन अजीज में हमको मजहब की बुनियाद पर अलग किया जा रहा है। मेरे भाई याद रखो, वोट डालना अकलमंदी नहीं है, वोट अपनी उम्मीदवार को डालना अकलमंदी है। जब तुम्हारे पास ताकत आएगी, जब तुम्हारा नुमाइंदा होगा जो तुम्हारी बात को समझेगा, जो तुम्हारी पहचान को समझेगा और उसको बचाएगा, तभी जाकर वोट की अहमियत होगी। तुमने बरसों साथ दिया कांग्रेस का, JMM का, इनका एक बार साथ छोड़ो, इनका एक बार साथ छोड़ो, मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। देखो जब तुम्हारे नुमाइंदे, तुम्हारी पार्टी के नुमाइंदे झारखंड की विधानसभा में जीत कर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो जो मसाइल
परसों से हल नहीं हुए मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यही कल मेरी गुजारिश साहब, मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा और आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपना एक वोट मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर देकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। इस नौजवान को आपकी खिदमत का मौका दीजिए। शुक्रिया। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।